be like no one. तो दोस्तों आपका स्वागत है वापस से WWE 2K18 My Player Mode में। हमारा प्लेयर दी महाबली खली उसके सपोर्ट में हो जाए कुछ धमाकेदार लाइक फॉर मोर एपिसोड्स, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। एंड आपने देखा पिछले एपिसोड में कि NXT में हमें काफ़ी सारे साइड मिशंस मिले, लेकिन उसी दौरान आस्का वाले मैच में हमारा हुआ पहला लॉस अगेंस्ट बॉबी रूड। आस्का ने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की, लेकिन एक खुशखबरी भी आई, ट्रिपल एच ने हमें ऑफर दिया है मेन रोस्टर की तरफ जाने का। आज बढ़ेंगे वहीं से आगे दोस्तों, लेट्स गो। तो हम लोग शुरुआत करेंगे विद द चौथा हफ्ता ऑफ दिसंबर इन NXT, एंड हमें सबसे पहले जाके बात करनी है बैरन ब्लेड से इन द प्रोडक्शन एरिया। ट्रिपल एच ने बताया बड़ा ही अच्छा ऑफर है, तुम्हें रॉ या स्मैकडाउन ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। क्या बात है भाई, लेकिन आप लोगों की वोटिंग धमाकेदार रही है। आपने कहा है कि हमें फैन फेवरेट बनना चाहिए, तो इस साल मुझे लगता नहीं कुछ फेस या हील वाला मीटर है इसमें। इसमें जो भी है, या तो आप कंपनी मैन बन सकते हैं या तो फैन फेवरेट बन सकते हैं। एंड ऊपर से आप लोगों ने कहा कि हमें रॉ ज्वाइन करना चाहिए, दोनों में 80% से ऊपर लोगों ने ये दोनों ऑप्शंस लिए। तो हम बैरन ब्लेड से बात करते हैं भाई, आज क्या है हमारे लिए NXT में कुछ आखिरी दिन हमारे, कुछ बड़ा हो जाए, कुछ धमाकेदार हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। ट्रिपल एच वॉज वॉन्टिंग मी टू लेट यू कट अ प्रोमो टू नाइट, डिड ही टेल यू? आई एम टेलिंग यू, प्रोमो टाइम। चल भाई, बैरन ब्लेड हमारा यहाँ का प्रोड्यूसर कहता है प्रोमो फाड़ना है तो फाड़ेंगे भाई, एक लास्ट टाइम गुड बाय कह के जाएंगे NXT को हम लोग। नो फाइट? बिल्कुल भी नहीं। नो, सेड समथिंग अबाउट वॉन्टिंग यू हेल्दी फॉर अ बिग मैच नेक्स्ट वीक, अंडरस्टैंडेबल बट वियर्ड फ्रेजिंग। कुछ बड़ा मैच हमारे लिए कुछ बड़ा रखा है उसने, खली से बड़ा क्या हो सकता है भाई? दैट मीन एनीथिंग टू यू? मेन रोस्टर हैज़ अ लॉट ऑफ इंजरीज ही सेड। ओके, स्टिल वियर्ड फ्रेजिंग, वहाँ पे बहुत इंजरी है, रोस्टर भर रहे हैं, हमें बुलाया गया ऊपर, लेकिन हम इंजर्ड ना हो जाए शायद इसलिए प्रोमो रखवाया हमें, क्या पता ट्रिपल एच की नज़रों में हम चढ़ गए ऊपर। वैसे देखा जाए तो NXT से स्टार्ट करना एक रेसलर के लिए बहुत ही अच्छा है, उसका एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उसको NXT के दौरान। WWE फैंस जानने लगते हैं एक सुपरस्टार को, एंड जब वो मेन रोस्टर में आता है तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी सी पहले से ही बन चुकी होती है। तो खली आज आया एक लास्ट टाइम गुड बाय कहने NXT को, काफ़ी सिखाया, काफ़ी प्यार मिला यहाँ पे, लेकिन अब मेन रोस्टर में जाके तहलका मचा देगा। आई एम नॉट द मोस्ट पॉपुलर, आई एम टाइंग बींग इग्नोर्ड, सम पीपल थिंक दे कैन टेक आउट द बिगेस्ट गाई, इट्स माई बर्थडे। जल्दबाजी में पता नहीं क्या चुन लिया हम लोगों ने, लेकिन भाई इट्स योर बर्थडे, इट्स माय बर्थडे कुछ ना कुछ कहा है इसने। ओ ओ, प्रोमो के बीच में कोई आ गया है, कैसियस, ओ नो, ये बीच में इंटरप्ट करने आया भाई कैसियस। हमारा मैच पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था आज तक, लेकिन धमकी यहाँ से कुछ अच्छा बोलने आया हमारे बारे में या कुछ अनाप शनाप, ये तो अभी पता चल जाएगा। कैसियस ओनो रिंग की तरफ बढ़ता हुआ, माइक पे उसका जोर देखेंगे और हमारा देखेंगे। आई लाइक अ गुड टॉकर, इट मेक्स थिंग्स फन, इट गिव्स मी दैट चिल डाउन माई स्पाइन। आ जा फिर मुझसे लड़ेगा, वॉक बैक वेयर यू केम फ्रॉम, यू आर द ओनली पर्सन यू आर इम्प्रेसिंग, वहीं चला जा जहां से आया, समझा? मेरे प्रोमो के बीच में आता है, एक लास्ट टाइम गुड बाई कहने आया यहाँ पे मैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, द किंग्स एंड द पेजेंट्स, एंड यू नेवर इंटरप्ट अ किंग। भाई खली ने अपने आप को किंग बुला दिया, चैंपियन तो बन ही चुका है यहाँ का, अब हमें टोन यही रखना पड़ेगा। दे धनाधन कैसे सोनू की लगानी पड़ेगी हमको। आई डोंट नो इफ एनीथिंग आई एम सेइंग विल गेट टू यू, यू डोंट सीम ऑल दैट ब्राइट। खली को बेवकूफ़ बुलाता है ये, खली को बेवकूफ, रिस्पेक्ट मी डैम इट, आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, यू आर अबाउट टू रन इन टू अ ब्रेक वॉल। भाई तो दीवार से टकराने वाला है, खली से जिसने पंगा लिया चूर चूर हो गया, यहीं पे गाड़ दूंगा तुझको, यहीं पे। ओह नो, बोल क्या बोलेगा, आई ऑलमोस्ट हैव टू आस्क मायसेल्फ इज इट इवन वर्थ, ये तो हमें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा। हाँ भाई, हमारी चुनौती बेकार जाएगी क्या? आई विल स्पेयर यू द एंबैरेसमेंट, बिग वर्ड्स फॉर अ लिटिल मैन। भाई खली का साइज देख और अपना देख, एंड वेन वी डू दे आर गोइंग टू बी कैरिंग यू आउट ऑन अ स्ट्रेचर। सही बोला भाई, इतनी हड्डियाँ तोड़ूंगा, एम्बुलेंस ही बुलानी पड़ेगी अब तो तुझको। वेट, यू गेट कॉल्ड आउट इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड, योर इंटेग्रिटी क्वेश्चन,
And that's the best you got? Come on, you're better than that, right? Cassius Ohno bhai sahi faad raha hai promo yahan pe. We talking or wrestling, huh? Kya chahiye tujhe, bata. Oho, thoda sa bada boost yahan pe. Bolte hi rahoge ya ladoge bhi ab ring mein? But as for you, well, I wouldn't be so sure, bhai. Teri power yahan chalegi ya nahi chalegi? I think Khali thoda sa aage nikal chuka hai. Cassius ne aur dhamakedar tarike se bhagaya. Bhai, mic pe skills kafi zaruri hai and hamari kafi kamzor pad rahi hai yahan pe. I want you to go on wanting it until it makes you crazy. Cassius Ohno won this promo. 230 uska score, 110 hamara. Kahan hum logo ko impress karne ki baat kar rahe hain, yahan pe to sab ulta pad gaya. Lekin attention, you unlock company man level 1. Kya baat hai, fan ka bhi ban gaya, company ka bhi ban gaya hai. Equal bhi chala sakte hain shayad hum log isko. Lekin bahut hi nirash hamara producer Baron played. Wow, he is hounding you at every corner. Yeah, I might have to send him off with that last promo. Usi ke saath phaad dena tha wahi pe. Yeah, no, it wasn't your promo that set him off. But that sure wasn't pretty. I don't know. I'll dig into this, but well, we'll reconvene tomorrow. Bhai, kahin isne hi to nahi bheja tha kaise sono ko bahar. Hamara promo bigaadne ke liye. Sara momentum wo le gaya humse. Baron Blade ke dimaag bahut tez chalta hai bhai. Producer kab kahan se script change kar de kuch pata nahi chalega. Triple H ko main impress karne hi wala tha ki yahan pe ye dhamaka pada hamare upar. Dobara baat karunga Triple H se, fir gaali dega mujhko. Bhag yahan se, hat. Boss se baat karta hai kabhi bhi. If you don't let me handle my business, you're going to see a side of me that you won't like. Sorry sir. Sir, Raw SmackDown yaad rakhna, please sir. Please. Triple H aise gusse mein NXT ka sab kuch dekhna hai usko. Boss bahut hi busy insaan hai bhai. Parking lot ke attendant pe apna sara gussa nikal jayega. Oh sadi shakal wale bhai, fir dukhi hai tu? Meri gaadi liya phatafat, acha nahi ja raha mera din. Yeah, grab my car, go jaldi jao. To December ke hum log monthly pay per view tak pahunch gaye. Shayad ek aur NXT takeover yahan pe. Triple H, क्या है आज कुछ बड़ी खबर मेरे लिए? Hey, get over here a second. सर ने बुलाया भाई, is there a problem? There's no way to soften this. That promo last week, look, that did you no favors. गुस्से में आ गया भाई, तुमने प्रोमो इतना गंदा कैसे दिया? The higher ups are having doubts that you have what it takes to be on the main roster. You can guess who that includes. Someone leaked my exit to him. I want to teach him a lesson. There's always some annoying twist, bhai. Main bahane nahi de sakta ki kisi ne leak kar di meri exit, ki kisi ne usko pehli information de di, wo bigadne aa gaya mera promo, lekin hame usko ab sabak sikhana padega. There's always some annoying twist. I want to teach him a lesson. Everything was going fine until that fuzzy B crashed my promo. I want to teach him to never do that to me again. Believe me, I understand what it's like to have a person horn you in your big moment. You can use that fury to your advantage tonight. The audience, they are fired up about Cassius now. Let that fight light a fire under your feet. Got it? Sir, dekhiye, aag laga denge. Ab to Cassius ke upar hi laga dunga. Show them all and the higher ups that you can do. Earn that spot on Raw or SmackDown. Bas, sir, dekhiye, aaj ka performance dekhiye. हर कोई सुपरस्टार हर चीज़ में अच्छा नहीं होता. अब मैं माइक पे अच्छा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम रिंग में कमाल नहीं कर सकते. स्पीक विद बैरन ब्लेड एट द प्रोडक्शन एरिया. आज तो कैसेस मेरे हाथ गया भाई, इतना गुस्सा मेरा प्रोमो खराब करने के लिए. अब तू देख सर जी, मैच लगा कोई बढ़िया सा यहाँ पे, कुछ तगड़ा हो जाए. ओके, इट ऑल कम्स डाउन टू दिस वन मोर फाइट. NXT का हमारा आखिरी फाइट हो सकता है. अगर अच्छा किया तो हम सीधा ऊपर. Gotta leave NXT on a high note. Boom. We gotta leave NXT on a high note. My fight with Bobby may have been awesome, but I'm seriously ending this on a high note today. Okay, yes, the only proper ending. Put on a show for ages, my friend.
put on a show, defend the NXT Championship by winning the match, get a match rating of 3 stars. Chal phir, kar denge sir ji, kar denge. Welcome to NXT TakeOver, ek aur hamara pay-per-view, ek aur title defense aaj. कैसियस ओनो सही खेल गया भाई, नई राइवलरी उसने खड़ी करी प्रोमो के बीच में आके, एंड उसने खुद के लिए यहाँ पे मौका बनाया फॉर दी एनएक्सटी चैंपियनशिप. स्मार्ट है ये, खेल गया. लेकिन अपने एनएक्सटी चैंपियन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. हमारा चैंपियन दी खली, महाबली खली, रिंग की तरफ बढ़ता हुआ. इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है, काफ़ी लोगों की नज़रें हैं इसके ऊपर, तो इसको तो प्रूव करना ही करना है अपने आप को. एक धमाकेदार मैच आज के दिन, सीधा नेक्स्ट रोस्टर. एनएक्सटी चैंपियनशिप लग चुका है यहाँ दाव पे. कम ऑन, लेट्स गेट रेडी. एक तरफ कैसियस सोनो, दूसरी तरफ महाबली खली, एंड ये स्टार्ट हुआ हमारा मैच ऑन एनएक्सटी टेकओवर. खली भागते हुए बिल्कुल ट्रेन की तरह कुचल डाला कैसियस को. इसने हमारा प्रोमो डिस्ट्रॉय किया, ये बीच में आया, इसने पूरा गेम बिगाड़ डाला है खली का. डीडीटी बिल्कुल रिंग के बीच में. आज बहुत ही गुस्से में अपना टाइटल डिफेंड करने खली निकला है. बहुत चालाकी की है कैसियस ने. बताया किसने इसको कि मैं जाने वाला हूँ एंड मैं प्रोमो करने वाला हूँ. इसको खबर मिली कहीं से भाई, बिल्कुल अनडिस्क्लोज्ड इन्फॉर्मेशन थी वो. खली पे कोई गेम खेल रहा है आज, लेकिन खली इसका बदला रिंग में निकालेगा. कैसियस उसको दूसरी तरफ पटकता हुआ, वो भी भूखा है इस टाइटल के लिए. घसीटना स्टार्ट उसकी तरफ से, रोप्स की तरफ ले जा रहा है, लेकिन खली ने यहाँ पे स्ट्रगल दे धनाधन ओवर पावर करते हुए कैसियस के ऊपर चला जाए. इधर आ, इधर आ, इधर आ, डबल हैंडेड चोक स्लैम पीछे की तरफ पटका. कमाल का मूव है ये ओनो की. धीरे धीरे आज इतनी वाट लगानी है, भूल जाएगा माइक कैसे यूज करते हैं. व्हाट अ डीडीटी, खली का दिमाग फोड़ डाला इसने तो यहीं पे. एनएक्सटी टेकओवर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है हमारा, आखिरी मैच हो सकता है एनएक्सटी पे. अगर हार गए तो शायद बहुत सारे मैचेस और होंगे. एक बार कंट्रोल ले लेना ये लोग, फिर मुश्किल हो जाता है यहाँ पे. लेकिन नेक ब्रेकर पूरा रिवर्स नेगेटिव में गया कैसियस ओनो का मोमेंटम. खली ने अब जाके यहाँ पे पकड़ लिए रेड, इसकी बैठ गया ऊपर कैसियस के. ले भाई गर्दन मोड़ इसकी, स्ट्रगल स्टार्ट यहाँ पे. छोड़ इसका मूव अभी से ही, थोड़े बहुत सबमिशन मूव्स थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल कराएंगे तो अच्छी बात है. चोक स्लैम भाई, ताकत इतनी है हाथों में, पटक पटक के बंदे की वाट लगा देता है ये. ओहो, कैसियस के पास रिवर्सल बहुत. डीडीटी एक और खली पे, खली पे कहर मच रहा है. धीरे धीरे बैक एंड फोर्थ सब कुछ चल रहा है, मोमेंटम बहुत ही धीरे बढ़ रहा है दोनों का. कैसियस उठाता हुआ अपने खली को, रोल मारा, क्या डॉज है, लेकिन कोई फायदा नहीं. पूरा रिवर्सल वेस्ट यहाँ पे. भागते हुए आया उधर नेक ब्रेकर, बीच रिंग में खींच लिया उसने. गोइंग फॉर अ पिन अभी से. 1 2, एक तो इतना इसका डिले है, या तो तेज करो तो बहुत तेज हो जाता है. डिले बहुत है इसके बटन प्रॉम्प्ट्स में. एल्बो सीधा पिछवाड़े पे, हाथ तोड़ने की फुल कोशिश, गर्दन मरोड़ दी इसने खली की. स्ट्रगल स्टार्ट, ओहो फुल प्रेशर डाला है गर्दन पे खली की. धीरे धीरे ये स्ट्रगल काम नहीं आ रही, बहुत ज्यादा इसने हमारी लंका लगा दी है खली. लेकिन ओवर पावर करते हुए किसी तरह खींचे दोनों हाथ, पटक दिया दूसरी तरफ. खली की तो अभी से लाल होगी खोपड़ी. अरे यार, अपना बंदा इतना स्लो, उससे पहले हाथ भी पहुंचता उसकी लात हमें लग जाती है. कैसियस ओनो घूरता हुआ अपने अपोनेंट को, किस तरह से मारे, कौन से एंगल से मारे, पूरा बाहर की तरफ गया. ओ, स्प्रिंग बोर्ड मूव के साथ आया भाई. साइज के हिसाब से लगता नहीं स्प्रिंग बोर्ड मूव मार पाएगा, लेकिन बहुत तेज है कैसियस, बहुत तेज. उठने मत देना तू भी. खली के पास सिग्नेचर मूव, क्या बात है. पहले हमारे पास आया लेकिन मिलिट्री प्रेस के साथ दे अपनी पावर का प्रदर्शन. बूम, बहुत ही सही थ्रो. खली बैक इन कंट्रोल. अब ये मोमेंटम जाने मत दे अपने वहां से, नहीं तो टाइटल हमारे हाथ से जाएगा. बिल्कुल कोने में फेंका है. गोइंग फॉर ए सिग्नेचर मूव, दिस सुपर डुपर खली किक. ये ले भाई धमाकेदार ड्रॉप किक. बंदा उछलते हुए बिल्कुल रिंग के दूसरे कोने में. चार्ज फिनिशर रेडी है हमारे पास. कैसियस ओनो को नहीं पता वो क्या करे. यस, हमने पकड़ लिया है दी बली बॉम. बूम, बहुत ही अच्छा कनेक्शन यहाँ पे. कम ऑन रेफरी, गो फॉर इट. 1 2,
रेफरी नहीं स्ट्रगल मैन अभी भी काफी ताकत ओनो के अंदर उसने किसी तरह किक आउट मारा इस पिन में से फिनिशर के बावजूद ये मैच खत्म नहीं हो पाया खली पे रिवर्सल विद अ जॉब ब्रेकर कैसियस ओनो बैक इन एक्शन टीडीडी बिल्कुल रिंग के बीच में अब मोमेंटम गेन ये बंदा करेगा उसका सिग्नेचर आने ही वाला है लेकिन हाथ तोड़ने के पीछे पड़ा ये पड़ गया खली की इसने तोड़ डाली है बिल्कुल चकना चूर कर देगा ये हाथों के हड्डियां ओनो के पास सिग्नेचर मूव भाई बच के बंदा बहुत पावरफुल है इसके हिट्स बड़े ही तगड़े आते हैं और किस तरह से मोड़ दिए इसने हाथ हमारे खली ने आज तक अपने इतने हाथ नहीं खोले होंगे एक चार लात मारी रिस्ट पे आर्म पे एल्बो पे सब तोड़ दिया एक एक करके गोइंग फॉर हिज सिग्नेचर मूव ही माइट बी लुकिंग फॉर द डिस्कस बूट बचके खली बचके लेकिन मुंह पे छाप दिया है जूता अपने कैसे सोनो ने वन टू बच गए किसी तरह बच गए हम कम ऑन ये हुई ना बात कम ऑन कमाल कर डाला यहाँ पे खली के पास फिनिशिंग मूव लेकिन फिनिशर रिवर्सल कैसियस ओनो ने हमारा फिनिशर छीन लिया है रिंग के बीच में गोइंग फॉर दी नेक ब्रेकर लेकिन क्या उसने एल्बो शॉट मारा ये था उसका फिनिशर एल्बो लग चुका है वन टू पचे सीरियसली क्या टर्न मारा है इस गेम में खली अपना फिनिशर यूज करते करते बचा एंड उसी का पूरा फायदा उठाया कैसियस ने अपना फिनिशर दे मारा उसने लास्ट में कैसियस के ये KO एल्बोस काफी खतरनाक है अरे 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 ये हाथ की बैट बजा रहा है आज तो हमारी कैसे पोजीशन में डाल दिया भाई ऐसे मोड़ता भी नहीं है कि यार खली का हाथ रिस्ट पे अटैक किया फिर लात बजा दी इसने तो भाई फुल डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है ये अपने चैंपियन को चैंपियनशिप इतने आसानी से हमारे हाथ से नहीं जाने वाला दिन अच्छे नहीं चल रहे कोई ना कोई आके जरूर डिस्टर्ब करता है खली को वन टू थोड़ा सा लेट है इसका जो रिस्पॉन्स है बटन्स का सीधा पीठ में लात खली इन पेन अगेन कुछ रिवर्सल्स नहीं हो रहे यहाँ पे ओनो एक के बाद एक बड़े बड़े मूव ला रहा है रनिंग नी टू द फेस ओनो का साइज कमाल का है भाई सही टक्कर दे रहा है वो खली भी कुछ नहीं कर पा रहा उसके अगेंस्ट एंड सीधा गट पे पड़ी ये लात तो गलत हो गया सब गलत हो गया हमारा फिर हाथ तोड़ दिया इसने आज इस हाथ का चकना चूर कर देगा ये हम लोग इसको उठा ही ना पाए इसने बिल्कुल मार मार के पीला कर दिया उस हाथ को एंड रिवर्सल इसी के साथ और थक गया ये ले फिर नीचे बैठेगा हेड बट दिया खली ने अपना इतना बड़ा सर अगर किसी के सर पे लग जाए तो दो टुकड़े ना हो जाए उठाया फुल फोर्स के साथ एंड ये ले भाई क्या रैक अटैक था पेट फाड़ डाला इसके साथ तो अपने बंदे का भाग क्यों रहा है उसको पकड़ और फिर उछाल के क्या पावर बॉम्ब था बंदा बेहोश होने वाला अब तो ये अरे भागा कैसियस थोड़ी समझदारी दिखाने की कोशिश में मार इसको एक पंच एंड बंदा डाउन एंड खली ने पीछे की तरफ पटक दिया विद द मिलिट्री प्रेस स्लैम खली की एनर्जी गई दोनों ने अपना बेस्ट दे दिया इस मैच में 4 स्टार होने वाला है ऑलमोस्ट उठ जा फिर ये मैच तेरा आखिरी मैच होने वाला है गोइंग फॉर द स्कूप स्लैम कमाल का स्कूप स्लैम था उठ जा अभी खेल खत्म नहीं हुआ ये ओ रिवर्सल बाय कैसियस उसके पास सिग्नेचर मूव एंड डीडीटी में डाल दिया उसने रिंग के बीच में दोनों बिल्कुल लाल हो चुके हैं कैसियस हमें घूरता हुआ अपने शिकार के चक्कर काटता हुआ यहाँ पे सिग्नेचर मूव उसके पास बच के रहना पड़ेगा ही माइट बी लुकिंग फॉर द डिस्कस बूट एंड सीधा मुंह पे चपाट क्या लगा है जूता छप गया है खली के मुंह पे फिनिशिंग मूव उसके पास है टू लेट विद द रिवर्सल यस वी आर KO क्या बात है KO एल्बो हमारे सर के पीछे गोइंग फॉर द पिन वन टू थ्री व्हाट अ सेव अभी चैंपियनशिप हमारे हाथ से निकल गया था लेकिन खली ने लास्ट सेकेंड में अपने आप को बचाया किसी तरह खली वापस आ जाए इस मैच में क्या फेंका है बंदे को लेफ्ट पंच भाई साहब ये मैच तो बड़ा टफ पड़ रहा है फिनिशिंग मूव खली के पास कैसियस के पास सिग्नेचर मूव यहाँ पे लगाया हमने दी बली बॉम्ब बूम क्या कनेक्शन था
Gaya Cassius yahi pe. Go for the pin. Ref, come on. 1, 2, 3. We have a winner. Badi mushkil se jeetta hua is match ko. Cassius ne kafi achhi takkar di hame. Lekin abhi bhi NXT champion, the great Khali. 3-star bhi bana diya hum logo ne. Bhai tu mere beech mein aaya. Ab to hon jaane de. Breakout maar ke jaunga bhai tujh pe. Kaise ye belt chahiye tha tujhko. Abbe maar to sahi. Aur taangon pe maro uske. Ye le pet pe pada. Ye belt chahiye tujhko. Ye belt chahiye. Aaja aaja aaja. Beech mein laake marunga isko to. Ye pada. Going for the fall away slam and पीछे की तरफ पटक डाला बंदे को. आजा आजा सिग्नेचर मूव अभी तो लगेगा. घन चक्कर की तरह घुमाएंगे हम लोग कैसियस को. अब ये किसी के बीच में नहीं आएगा. ऐसा सबक सिखा के भेजा है, धमाका मचा के भेजा है इस मैच में. घुमा घुमा के दूसरी तरफ. खली की यहाँ पे स्टैमिना जीरो हो गई है. बहुत हुआ तेरा कैसियस. खली ने अपना बेस्ट दे दिया, जो कर सकता था सब कर दिया. यहाँ पे बाहर फेंका इसको पूम पंच के साथ नीचे. आ जा, अब तो तू नीचे पिटेगा मेरे हाथ. खत्म कैसियस. कैसा लगा बैरन ब्लेड? ये हमारा मैच, आखिरी मैच ऑन एनएक्सटी टेक ओवर. खुश है अब तू अपने चैंपियन से? वॉज द राइट वे टू एंड थिंग्स दैट I learn from the best. Yep. तेरी बात नहीं कर रहा लेकिन. Main roster is where you will soar, can feel it. Which incidentally is where Triple H says you're going. It's official as of a few minutes ago. क्या बात है, बात पक्की हो चुकी है. Triple H ने दे दिया है हमें green card. He also feels you're worthy to go ahead and give that goodbye speech tonight. एक और बार speech देने का मौका मिलेगा. Get back to me once you're ready for that. जी सर जी, एक last goodbye speech. इस बार प्रोमो में कोई बीच में आना फिर देख लेना. वहीं पे दे धनानंद पीटेंगे. स्पीक विद बैरन ब्लेड इन द प्रोडक्शन एरिया. चल भाई, आई एम रेडी. अब किसी की जरूरत नहीं, बस बोलने दे एक बार लास्ट गुड बाय. एनएक्सटी फैंस के लिए सलाम. टाइम टू से गुड बाय बैरन ब्लेड. आई होप तेरी शक्ल ना देखने पड़े मुझे इसके बाद. रिंग इज योर्स, डू वट एवर यू नीड टू मेक इट गुड. जी सर जी, अब देखो मैच भी बहुत मस्ती है. दोबारा से खली बाहर आता हुआ आज के दिन, इस बार एक अच्छा सा प्रोमो देने के लिए. एक लास्ट टाइम तुम्हारे लिए भाई. दी अथॉरिटी बेटर नॉट गेट इन माई वे. अभी से विद माई फैंस बिहाइंड मी आई क्रश दी मेन रोस्टर. बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए. एज डोमिनेंट एज द मेन रोस्टर इज, आई एम हेयर टू नाइट टू एडमिट दैट यू दैट आई एम नॉट अफ्रेड. विद यू माई फैंस बिहाइंड मी दे आर नथिंग. सही बात है, फैंस का सपोर्ट कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच गाइज. भाई गहरा रिश्ता है मेरा फैंस के साथ. दिस एनर्जी सराउंडिंग मी विल प्रोपेल मी फॉरवर्ड. इट्स लाइक माई क्वालिटी इज एंड ऑब्वियस टू एवरीवन. भाई यही एनर्जी चाहिए, उसके साथ हम सीधा आगे बढ़ेंगे. आई वॉन्ट टू टेक दिस एनर्जी यू हैव गिवन मी एंड लेट इट प्रोपेल मी फॉरवर्ड. आई कांट वेट टू सी द स्टोरी वी विल राइट टूगेदर. मैं और मेरे फैंस मिलके ये पूरी कहानी रचेंगे. वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क अहेड ऑफ अस. आई एम रेडी टू गेट स्टार्टेड. इनक्रेडिबल एनर्जी तुम सब की तरफ से. खली का परफॉर्मेंस, एक कॉम्बो, 229 का परफॉर्मेंस, कमाल था यार. बैरन ब्रेड के भी बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, उसने हमारी काफ़ी मदद की. जहाँ क्या करना चाहिए सब बताया उसने. दैट्स द वे, आउट इन स्टाइल. आई लाइक इट. ट्रिपल एच इज वेटिंग फॉर यू. बेस्ट चेक इन, सी यू समडे. यह ठीक है बैरन ब्लेड, मिलते हैं भाई कभी, मिलते हैं. वापस आना हुआ क्या पता गलती से एनएक्सटी में. विल मिस यू. सेम हेयर. थैंक्स फॉर एवरीथिंग यार. थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क एंड ऑल. तुमने क्या प्रोड्यूस किया शो भाई, चमका दिया खली को. डूइंग व्हाट आई लव, कांट हेल्प इट. वेलकम, गो ऑन नाउ. बिग टाइम्स वेटिंग, सी यू. ट्रिपल एच हमारा वेट कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसकी तरफ से. लेट्स गो भाई टूवर्ड्स द मेन रोस्टर. रॉ स्मैकडाउन हमारा वेट कर रहे हैं. कहाँ है भाई ट्रिपल एच? ट्रिपल एच, स्पीक विद ट्रिपल एच. सर जी है कहाँ लेकिन? अंदर तो नहीं अपने रूम पे है? ऑफिस में कोई नहीं है ट्रिपल एच? अरे ट्रिपल एच यहाँ भी नहीं तो कहाँ है? पार्किंग लॉट में भी कोई भी नहीं है. ट्रिपल एच उस वाले रूम पे, उस वाले मैनेजर रूम में. और तो कोई दिख नहीं रहा मुझे ऑप्शन. वो रहा वहाँ पे, इंटरव्यू हो रहा है उसका शायद.
एंड वो उसी इंटरव्यू में हमें घसीटना चाहता है। सर जी सर जी सर जी, ये लीजिए आ गया आपका बिल्कुल नया सुपरस्टार, द सुपर हैवी वेट ग्रेट खली, वर्ड केम डाउन फ्रॉम विंस वेयर यू आर टू लैंड, ले इट ऑन मी, आफ्टर वॉचिंग यू आउट देयर टुनाइट वी वॉन्ट यू ऑन रॉ ऑन मंडे, मंडे नाइट रॉ में हम लोग करने वाले कमाल, एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड, आई माइट प्रिफर स्मैकडाउन। आप लोगों ने ज़्यादा नहीं कहा था कि हमें रॉ पे ही जाना चाहिए था, माई फैंस विल बी ओवरजॉयड, exactly what I wanted, that's exactly what I was hoping you will say, glad to hear it, you'll have your work cut out for you, I know you only just finished up here, but once you are truly ready, it's time to move on, ji sir ji, looking forward to working with you, I am excited, Khali kamal karega raw pe, mauka diya hai to chauka marega, raw pe hamara pehla hafta, january ka pehla hafta raw mein start kar rahe hain hum log, kya new year hai 2019 ki hamari, and seedha stephanie ke office mein baat nahi karna, hey you are the newcomer, if no one's officially welcomed you to raw yet, let me be the first, oi hoi, keep your nose clean, understand how things work, which you seem to, and I think you'll find a good home here, thank you stephanie, that's what you are looking for right, exactly, I'm here to stay, I've got my eyes set higher, I'm just in this for the glory, bhaiya banne aaye to raw pe bane rahenge hum log, exactly as you say, this is a good place to stay, bhai apne managers ki baat suno, unke upar khare utro, well don't get complacent, those that think to stay here tend to stay on the bottom, are kya chahti hai ab, higher aur higher, fir tu dekh, I think you can guess where they eventually go, You are misunderstanding me. मेरा मतलब ये नहीं था भाई, ऐसा परफॉर्मेंस देंगे कि हम यहीं पे टॉप स्टार बने रहे। I'm taking your measure. That's all. It's friendly advice. Don't think I don't appreciate it. I do. भाई पहले दिन ही स्टेफनी से लड़ पड़ा ये तो। Glad to hear it now. First thing first, Samoa Joe is your guy. Know it, live it, breathe it. Samoa Joe हमें अपने अंडर लेने वाला शायद। And understand that also means he's walking target. Basically at all times everyone will want to take a shot and me I want to protect my investment makes sense you have poured a lot of time and money on him true I want to see my return but don't forget this is also about prestige yours or his same thing at this point bhai Samoa Joe iska banda hai usne invest kiya yahan laiye ab hame uske sath rehna hai so this is where you come in I want you to make sure he remains on top भाई फिर हमारा क्या बींग द न्यू कमर योर सेल्फ दैट्स द बेस्ट वे टू शो योर क्वालिटी काउंट ऑन इट आई हैव गॉट हिज बैक इफ ही इज टारगेट मे बी आई विल टेक अ शॉट कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग भाई कंपनी वालों के साथ जा सकते हैं हम क्या प्रॉमिस करें क्या नहीं शायद हम ही उसको चैलेंज करना चाहे काउंट ऑन इट आई हैव गॉट हिज बैक अभी के लिए बात मान जाते हैं आई नो आई एम न्यू आई डोंट नो me yet you don't know me yet I can't tell you one thing you can depend on if I say I've got his back I've got his back and you guy kya without a doubt good man now get over to gorilla right now talk to our show producer he'll fill you in how to make yourself useful okay shayad humne samoa ki help karne ye decide kar liya hai ठीक है स्टेफनी भाई ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से अब हम क्या कर सकते हैं हम नए नए आए रॉ पे ये ब्रीफ केस उठा के ले जाऊं क्या अपने साथ खोलो दरवाज़ा स्पीक टू टॉड मलिन एट द प्रोडक्शन एरिया द मिस खड़ा है यहाँ पे पॉल हेमन खड़ा है यहाँ पे हे पॉल हेमन क्या कर रहा है ब्रॉक लेसनर आजकल कभी पंगा होगा हमारा तो बहुत मस्त होगा यू सर्टनली हैव अ वे विद वर्ड बट व्हेन यू आर इन द रिंग यू आर नॉट आउट देयर टू विन then those all words are meaningless if you are not wrestling to win then you are not wrestling at all and no amount of words will bring you back from the defeat kya baat hai bahut hi achhi tip di hai bhai sahab ne humko badi hi achhi tip aise ghoor rahe hum log aise ghoor rahe kahan hai yahan ka producer naye producer se mile todd mullen se hum log aaja bhai sahab ye hai todd sir ji naya banda the great khali Stephanie said, I'll be seeing you before the match tonight. It's good to have you with us. Welcome aboard. Has she gone over with you yet? Sab samjha diya.
Perfect. So tonight it's Samoa Joe versus Seth Rollins. It's supposed to go off without a hitch, but would it like you to be that hitch? I'll be whatever you need. This sounds like someone else's dirty work. Bhai, main kyun karu? Samoa Joe doesn't need my help. Bhai, main nahi karunga ye ganda kaam. Samoa Joe ki help? Not going to lie, but this is sounding like you are having me to do someone else's dirty work. It's our dirty work. Still, I don't see how that matters. None of us are here to play nice 24/7. You understand? Simply put, Stephanie wants you to run in on Seth Rollins before the match even starts. How do you do it is up to you, but don't let it get to your head and go give a victory dance for the camera. This is about Samoa Joe first and foremost. Keep that in mind. You and me are golden. Chal dahi, win this pre-match running. Seth Rollins to gaya bechara aaj hamare haath. Kya baat hai bhai, swagat hai apna Raw pe. And hamara pehla kaam hi ek rane nahi, batao ye kaise hoga bhai. Ring ki taraf badh raha hai apna architect, the Kingslayer Seth Rollins. And hame karna hai us pe attack. Uska match Samoa Joe ke sath hai. Samoa Joe ki help karna hamara maqsad hai aaj ka. To hame run in marna hi padega Seth pe. Bechara Seth ko kuch nahi pata कि एक नया सुपरस्टार रॉ पे आ चुका है एंड आज उसकी वाट नहीं होने वाली है. सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रिंग की तरफ बढ़ता हुआ विथ नो आइडिया उसके पीछे क्या आने वाला है. 7 फुट लंबा जायंट उस पे अटैक करने वाला है. ये निकला ग्रेट खली पीछे से एंड एंट्री अभी भी चालू है. सेथ रॉलिंस रिंग की तरफ बढ़ता हुआ, उसको खबर ही नहीं अभी तक. चढ़ गया वो तो ऊपर, लेकिन खली उसके पीछे भागते हुए आया. फिनिशिंग मूव उसके पास है, घुसा वो अंदर. वो अभी भी टॉन्ट्स मार रहा है अपने. ले भाई, खली का एक मुक्का एंड वो ऊपर से नीचे. क्या बात है, सेथ रॉलिंस वापस से खड़े होने की कोशिश में, लेकिन डबल हैंडेड सुप्लेक्स के साथ दूसरी तरफ पटक डाला है. खली अपने पावर दिखा के छोड़ेगा आज. उसको इम्प्रेस करना पड़ेगा अपने बॉसेस को. बैरिकेड की तरफ ले गया है. सेथ रॉलिंस इन डेंजर एंड ये फेंका, बिल्कुल बैरिकेड के अंदर धकेल दिया है. खली धीरे धीरे वाट लगाया जा रहा है. स्टील सेप्स का बहुत ही अच्छा यूज यहाँ पे. उठा सेथ को, उठा. फिनिशिंग मूव हमारे पास है. दिस माइट बी इट फॉर हिम. गोइंग फॉर द चोक स्लैम ऑन द आउटसाइड. नो भाई, रॉ पे जायंट आ चुका है. चोक स्लैम के साथ सेथ रॉलिंस बिल्कुल बेहोश. लेकिन ये मैच अभी तक हमने जीता नहीं है. बेसबॉल बैट निकाल लिया है. हमें समोआ के लिए ये मैच आसान बनाना पड़ेगा. मैनेजर्स के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, उनको हमें इम्प्रेस करना ही है. दीवार से टकराया अपना सेट, वहीं पे बेहोश. ले भाई, विनर खली. क्या स्वागत हुआ है हमारा रॉ पे. पहला ही चीज एक डर्टी काम के साथ स्टार्ट हुआ है, वो भी किसी पे रन इन करते हुए. आई विल एडमिट आई हैड माई डाउट्स व्हेन स्टेफनी पिच्ड हर प्लान. आई फिगर्ड यू डिड फेल हार्ड बट यू डिडंट स्क्रू अप. चल समोआ तो खुश हुआ. यू वर रियली रियली एडिक्वेट. इट वॉज एन ऑल राइट परफॉर्मेंस आई गेस. It was an honor to lend a hand. I would have done the same. Seth deserved every smack. It was an honor to lend a hand. You would have done the same? Really? Tujhe lagta hai? I know you would have done the same for me if our roles were flipped. No, I wouldn't have. You are only starting out, kid. Bottom of the totem pole. No name. Wow. Matlab Khali ka kuch naam hi nahi hai Raw pe. Wo aisa kuch nahi karta hamare liye. हमें ज़रूरत थी इसलिए हमें करना पड़ा. दो विद अ फॉलो थ्रू एटीट्यूड लाइक योर्स, वन डे समवन माइट डू दैट फॉर यू. भाई समोआ, अब तू अगली बार मिल. आई लुक फॉरवर्ड टू दैट बीइंग यू. आई एम श्योर यू डू. एंड हे, इफ आई वर यू आई वुड टू. मतलब ये चाहता है कि समोआ कभी इसका दोस्त बने. समोआ जैसा बड़ा सुपरस्टार उसकी बैक ले. लेकिन समोआ भाई एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत है. But the bus doesn't have time for anyone less. Bhai, aisa banke dikhayenge na, tu mera chela banega, ruk. Anyway, stick in my shadow. Don't get in my way and do whatever I tell you or what Steph tells you. That's all you need to focus on. Bhai, inka plan bada tagda hai. How did you become the best? How do I best support the company? How can I beat you? So, Joe, how? Listen, I've got people to talk to. He's seeing you. बात ही नहीं की उसने. अवॉइड कर रहा है भाई, हमारा सवाल अवॉइड कर रहा है.
बेटा समोह तेरी वाट लगाऊंगा कभी रॉ पे, तू देख। आज का दिन तो भाई थोड़ा सा टफ गया हमारे लिए। एग्जिट दी अरीना बाय टॉकिंग टू द पार्किंग लॉट अटेंडेंट। हट जा भाई, क्यों गलियों में घूमता रहता है तू? अभी भी हमारा पार्किंग लॉट अटेंडेंट सेम है, रोमन रेंज यहाँ पे खड़ा हुआ है। रोमन से बात करनी पड़ेगी क्या? क्या चल रहा है भाई रॉ पे? तू भी लगा हुआ है फ़ोन पे? रोमन देख ले नया सुपरस्टार पंगा होगा। इफ़ यू वांट टू क्लाइंब अप द लैडर ऑफ सक्सेस फास्टर इन WWE, ऑलवेज पे योर रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट। इफ़ यू कैन गेट इन विद देम, दे विल बी द वंस टू ओपन ऑल डोर्स टू सक्सेस यू विल एवर नीड, ट्रस्ट मी। भाई ये तो कह रहा है मैनेजमेंट की हेल्प करो। चल सही है रोमन, थैंक्स फॉर द टिप। तू भी मिलियो कभी रिंग में, तेरी भी लगाएंगे हम अच्छे से। अटेंडेंट यहाँ पहुँच गया तू भी रॉ पे, कैसा लग रहा है? रेडी टू लीव? यस लेट्स गो होम। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड, आई होप आपको मजा आया। फटाफट लाइक ठोकना ना भूलिए, सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड मुझे कमेंट्स में बताओ आपका फेवरेट मोमेंट आज के एपिसोड में। हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम विथ मोर, तब तक के लिए बाय बाय।